नमस्कार दोस्तों, आगे का न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें न्यूज़ है हमारे पास कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है न्यू मेडिकल कमीशन बिल को। हुआ क्या है कि अभी तक जो है मेडिकल एजुकेशन की और मेडिकल प्रोफेशन की जो सबसे एपेक्स बॉडी हुआ करती थी उसका नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रॉड और जो है इरेगुलरिटीज जब सामने आती हैं तो इस बॉडी को जो है एबोलिश करके एक नई बॉडी जो है एपेक्स बॉडी इस्टेब्लिश करने के लिए एक नया बिल पेश किया गया है। उसी बॉडी का नाम होगा, जो नई जो बॉडी बनेगी उसका नाम होगा नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। ये MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जो रिप्लेस कर देगी और ये एक एपेक्स बॉडी होगी जो कि रेगुलेट करेगी चीज़ों को, आउटकम बेस्ड अप्रोच होगी इसकी। तो इसके लिए जो है नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, पार्लियामेंट में 2017 जो है ये बिल है, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। होगा क्या कि सिंपल सा है कि ये 25 मेंबर की एक जो है बॉडी होगी, इंक्लूडिंग चेयरमैन उनके और जो है मेंबर सेक्रेटरी को इंक्लूड करते हुए 25 मेंबर की बॉडी होगी, जिसमें 12 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 11 जो है पार्ट टाइम जो है मेंबर्स होंगे इसमें। और जो 11 पार्ट टाइम मेंबर होंगे उसमें जो है 5 ऐसे मेंबर होंगे जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही होंगे, ठीक है। ये एक सर्च कमेटी के द्वारा इनको जो है पूरा चयन, ये 25 मेंबर्स का चयन किया जाएगा और उस सर्च कमेटी के हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका कॉमन एंट्रेंस, जैसे नीट एग्ज़ाम होता है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको जो है कंडक्ट कराना। इसके साथ ही जो है MBBS कोर्स के कंप्लीट होने पर एक जो है डिग्री एग्ज़ाम का कंडक्ट करना, और जो फॉरेन से डिग्री कोर्स करके आ रहे हैं उनका एग्ज़ाम कि वो उनकी डिग्री जो है इंडिया में वैलिड है नहीं, इस एग्ज़ाम के पास करने के बाद जो है तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की एंट्री के लिए और जो है उनकी प्रैक्टिस के लिए भी एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करना, ये इनका काम होगा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सिंपल सा ये है कि अभी तक जो आउटकम बेस्ड रेगुलेशन चल, मतलब कि अभी तक जो है आपका ये प्रोसेस ओरिएंटेड रेगुलेशन चल रहा था, उससे जो है आउटकम बेस्ड रेगुलेशन की तरफ जो है इसको मोड़ना पूरे प्रोसेस को। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऑटोनोमस बोर्ड को इस्टेब्लिश करना जो डिफरेंट फंक्शंस को जो है एक यूनिफॉर्म बॉडी के अंदर रहते हुए जो है अपना उसको टेक केयर करेगा, ठीक है, ताकि जो इरेगुलरिटीज़ हैं चीज़ों को उसको जो है दूर किया जा सके, एक अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर को इस्टेब्लिश किया जा सके जिसमें मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रह सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ रहा है कि MCI को रिप्लेस करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल आया। नेक्स्ट क्या है, NGT ने बैन किया है क्या, जो भी टाउन बगल में है गंगा नदी के किनारे वहाँ पे जो है प्लास्टिक आइटम्स के यूज को। तो NGT बैन्स प्लास्टिक आइटम्स इन टाउन्स लोकेटेड अराउंड द बैंक ऑफ गंगा। उत्तरकाशी से चालू होते हुए ये चीज़ें जो है ये इसको जो है पूरा जो है कंप्लीट बैन कर दिया गया है कि कोई भी प्लास्टिक सेल नहीं होगा, कोई भी बैग जो है इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। टाउन्स ऑफ हरिद्वार, ऋषिकेश, स्टिल जो है अपर एरिया जब उत्तरकाशी लगे गंगा रिवर जो है उत्तराखंड। इसके बाद क्या है कि NGT ने यह भी कहा है कि इसमें फ़ाइन भी लगेगा सारी चीज़ें। NGT आपको पता है कि 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था NGT एक्ट के तहत। इसका एक ही काम था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जो है फॉरेस्ट का और नेचुरल रिसोर्सेज का, उससे संबंधित जितने भी केस हैं उसको इफेक्टिव और जो है एक्सपेडिटियस मतलब स्पीड के साथ जो है उसको जो है उनका डिस्पोजल करना, नेचुरल जस्टिस लॉ पे जो है ये बेस्ड होता है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एग्रीमेंट विद यूनेस्को ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ITCOO इन हैदराबाद। हुआ क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी, ठीक है, इसके लिए C2C सेंटर जो है यूनेस्को जो है इस्टेब्लिश कर रहा है कहाँ पे, हैदराबाद में। C2C मतलब क्या होता है, Category 2 सेंटर इस्टेब्लिश कर रहा है हैदराबाद यहाँ पे। तो याद रखिएगा कहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर जो ऑपरेशनल ओशनोग्राफी एशिया पैसिफिक रीजन के लिए जो इस्टेब्लिश कर रहा है उसको हैदराबाद में यूनेस्को। C2C सेंटर का सिंपल सा मतलब ये होगा कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग में, नॉलेज शेयरिंग में, एक्सचेंज ऑफ ऑपरेशंस में, इन सब में जो है हेल्प करेगा। इस तरह से जो यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन के जो मैंडेट हैं उनको जो है यहाँ पे फुलफिल करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन्स के जितने भी लिटोरल कंट्रीज़ हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो नॉलेज चाहिए होगी वो नॉलेज प्रोवाइड कराएगा, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चेंज करेगा, ये सब काम इनके होंगे, ठीक है। इस तरह से इंडिया को क्या फ़ायदा है, इंडिया को फ़ायदा ये है कि इंडिया एज ए हब के रूप में जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा जहाँ पे ओशनोग्राफी से संबंधित चीज़ों को जो है सिखाया जा रहा होगा, ठीक है।
एक लीडिंग कंट्री के रूप में स्टैब्लिश होगा, खासकर कहाँ पे, इंडियन ओशन कंट्रीज और साउथ एशियन और अफ्रीकन स्टेट के बीच में। और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक सस्टेनेबल जो उस सस्टेनेबल जो ओशन रिसोर्सेज का यूज़ है उसमें ये कंट्री जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसको जो है सस्टेनेबल यूज़ करेंगे उन रिसोर्सेज का, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे रिसोर्सेज की। और ये SDG का गोल नंबर 14 भी फुलफिल करता है। SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 से 2030 तक जो है, 2030 तक इसको कंट्रीज़ को जो है अचीव करना है, इसके लिए जो है ये लाए गए थे, तो उसमें भी जो है ये हेल्प करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ ये है कि MDR पे जो चार्ज लगता है, MDR क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो अगर 2000 के अंदर में है, अगर आपका परचेज़ जो है 2000 के अंदर में है, तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो गवर्नमेंट खुद अपने आप से देगी। तो ये MDR चार्ज क्या होता है, जब आप कहीं किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे आप कैश के बजाय पेमेंट करने के कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो जो स्वैपिंग मशीन पे स्वैप कार्ड करते हैं आप, तो उसके बदले में जितना भी अमाउंट होता है उस पर 2% जो है चार्ज लगता है MDR का, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये किसको पे करना होता है, तो ये उस दुकान के मालिक को पे करना होता है। तो कभी कभी आपको जो है वो उतने रुपए में सामान नहीं देगा, हमारे 100 रुपए का सामान आप ले रहे हैं, तो वो कहेगा भैया एक काम करो, अगर आप मुझे कैश नहीं देते तो 2 रुपए पेमेंट करो, क्योंकि जो है 2 रुपए जो है हम मुझे अपनी जेब से देना है। तो ये क्या नाम है, कार्ड को डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट आएगी अगर 2000 तक के जो है अगर ये होंगे MDR, तो वो जो गवर्नमेंट उसको पे करेगी। ये चार्ज क्यों लगता है, तो ये चार्ज ये लगता है कि एक बैंक जिसका वो कार्ड इशू है, मान लीजिए आपने SBI का है, और प्लस दूसरा जिसने जो है इस मर्चेंट के साथ टाई अप किया हुआ है, तो और ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, तो इन तीनों ने ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा आया है वो खर्चा निकालने के लिए जो है ये चार्ज लिया जाता है इससे, मर्चेंट से, ठीक है, इसी को जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अगला क्या है, यूनियन कैबिनेट ने नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को जो है अप्रूवल दे दिया है। इसके तहत क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको फुलफिल करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है और तेज़ी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सोशल सेक्टर के लिए ज़रूरी है उनको तैयार करना। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो वाटर सप्लाई हो गया, पावर हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, और ऐसे प्रोडक्ट जो जो है टूरिज्म को जो है बढ़ावा देंगे, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट जो है ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, इनको मेंटेन करना। एट द सेम टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोशल सेक्टर्स क्या क्या है, तो उसमें जो है एजुकेशन और हेल्थ आएगा, तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए जो है ये स्कीम जो है चालू की गई है। और ये जो स्कीम है इसके तहत जो फंड होगा वो नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज फंड होगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है कि हर साल, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको जो है वोट करके, मतलब कि एक साल के लिए आपको दिया गया, एक साल में आपने खर्चा नहीं कर पाया तो वो जो है लैप्स हो जाएगा और फिर से अगले साल जो उसको पास कराना पड़ेगा, नहीं, आपको एक फंड दिया गया है उसको आप यूज़ कीजिए, अगर उस साल नहीं खर्च होता तो वो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली अकाउंट में बना रहेगा, लैप्स नहीं होगा, ठीक है, तो बार बार उसको लिए वोट नहीं करना पड़ेगा, बार बार जो है वो नहीं देना पड़ेगा फंड। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक अलग से डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वो इसको जो है देखेगी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगली हमारी स्कीम क्या है, अगला जो है हमारा न्यूज़ है कि मेघालय इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने फर्स्ट सोशल ऑडिट लॉ को जो है पास कर दिया है। सोशल ऑडिट होता क्या है, सिंपल सी बात यह है कि जब कोई गवर्नमेंट का कोई भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट का वो जो रिव्यू का प्रोसेस है, ठीक है, रिव्यू का प्रोसेस है जिससे ये चेक किया जाए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कह रहा है और जो काम हुआ है उसमें कोई गैप तो नहीं है, कि दोनों चीज़ें सही मैच तो कर रही हैं। तो सिंपल सी बात कि पब्लिक द्वारा किसी भी चीज़ को जो है रीचेकिंग करना, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात है, तो उस चीज़ को जो सोशल ऑडिट कहते हैं। मेघालय, अभी तक क्या होता था कि सोशल ऑडिट की जो चीज़ होती थी उसमें क्या है, सिविल सोसाइटीज जब आकर के प्रेशराइज करती थी, वो डिमांड करती थी, तो गवर्नमेंट उसमें परमिशन देती थी। मेघालय पहला स्टेट ऐसा स्टेट हुआ है जिसने जो है लीगली ये आपको हक दे दिया है कि आपका ये हक है कि अब आपको डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, आप जो है स्कीम की वो कर सकते हैं, जाकर के समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मेघालय ऐसा स्टेट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि CCEA ने अप्रूव किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स
लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अभी आपने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बूस्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम चालू की गई थी। सेम टाइम पे अब वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री वहाँ पे जाएँ उसके लिए जो है जो कैपिटल पे जो टैक्स लगेगा जो बेनिफिट होगा तो ये सब जो है सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए जो जो यूनिट वहाँ पे इंडस्ट्री यूनिट आप जो है लगाएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो है सब्सिडी मिलेगी। ये जो है कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नेशनल आयुष मिशन को जो है जो 2017 में ख़त्म होना था, ठीक है, नेशनल आयुष मिशन था क्या, तो नेशनल आयुष मिशन जो है 2014 में सितंबर में लॉन्च किया गया था 3 साल के, जिसको जो है 2017 में ख़त्म होना था, इसको 3 साल और बढ़ा दिया गया है। इसके जो ड्यूरेशन को 2020 तक ही कंटिन्यू रहेगा, मार्च 2020 तक। इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ ये था कि कास्ट इफेक्टिव जो है आयुष सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा देखी जा रही थी, तो मिनिस्ट्री आप जो है आयुष के द्वारा इसको देखा जा रहा था। सिंपल था कि सस्ते में नॉर्मल रेट में मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रेट में जो है आयुष की सर्विसेज का जो है एक्सेस लोगों तक मिल सके, यूनिवर्सल एक्सेस उसका हो सके, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये आया था। ठीक, ड्रग्स की जो संख्या है, ड्रग्स की जो क्वालिटी है वो जो है इम्प्रूव हो सके, ये भी इसका काम था। ठीक है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज बन सके और उनके साथ जो है कपल्ड हो सके जो है ये जो ड्रग जहाँ पे बनती हैं, ताकि उसकी साइंटिफिक जो वैल्यू है उसको भी इस्टेब्लिश किया जा सके, तो ये भी जो है इसका काम था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो सिगरेट के पैकेट पे देखते होंगे कि ये कैंसर की वार्निंग बन के आती है वो पिक्टोरियल, ठीक है, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर बन के आती है, इसलिए जो है पिक्टोरियल वार्निंग जो है वो कितनी है, वो 85% है। ठीक है, अगर इतना बड़ा टोबैको का पैकेट होगा, मतलब कि उसका जो है पैकेट होगा, तो उसके 85% पे जो है वो पिक्चर बनी हुई होगी। इस रूल को जो है क्वेश्चन कर दिया था, ये पुराना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से जो है हटा दिया कि नहीं 85% ही बना रहेगा। ठीक है, वो पिक्चर को बस इतना आपको याद रखना है, टोबैको के लिए इंडिया में जो लॉ है वो क्या है, तो वो कोटपा एक्ट है। ठीक, कोटपा एक्ट, कोटपा एक्ट क्या है, 2014 में ये रूल आया था, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स 2014, जो कि अप्रैल 2016 से इफेक्टिव है, और इसके ही तहत जो है लूज सिगरेट की बिक्री पे जो है मतलब कि सिंगल सिंगल सिगरेट जो है नहीं बेची जाएगी और 85% तक जो है इस पे कवर पे वो डायग्राम बना रहेगा, जिसमें लिखा मतलब पूरा जो है वो डायग्राम बना रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ था जब ये ठीक है, हाई कोर्ट ने रूल दिया था, भूल जाइए हाई कोर्ट का रूल को वैसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, लेकिन जो रूल दिया था उसमें जो बेसिस उन्होंने ये बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19(1)(g) जो है ये कहता है कि ये प्रोफेशन की आज़ादी सबको बराबर है, तो जब प्रोफेशन की आज़ादी है किसी को तो आप किसी के प्रोफेशन को इस तरह से कैसे हानि पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो टोबैको भी एक प्रोफेशन है, तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे आर्टिकल 21 को यूज़ करते हुए कि राइट टू लाइफ जो है वहाँ पे ज़रूरी है, और इसको जो है क्वेश्चन कर दिया गया। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अभी पिछले हमने पढ़ा था कि ये यूएसए ने जो है यूएन कॉम्पैक्ट मिशन जो बन रहा था इसका किसके लिए, यूएन कॉम्पैक्ट फॉर जो है माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज के लिए था, उससे अपने आप को अलग कर लिया है। तो 2016 में डिक्लेरेशन हुआ था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, याद रखिएगा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किसी से संबंधित है, तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो है रिफ्यूजी और माइग्रेंट से संबंधित है। वो जो है उसके बाद से जो है ये 18 दिसंबर को लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये माइग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी कि सेव माइग्रेशन इन ए वर्ल्ड ऑन मूव, सेव माइग्रेशन इन ए वर्ल्ड ऑन मूव। अगला न्यूज़ है हमारी कि स्पेस एक्स ने पहली बार सक्सेसफुली लॉन्च किया है रिसाइकल्ड रॉकेट एंड स्पेस शिप। सबसे पहली बात क्या है, स्पेस एक्स है क्या, 2002 में इस्टेब्लिश की गई एक प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है और रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी है। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक फ्यूल की सप्लाई प्रोवाइड करती है, और इसकी स्कीम क्या है, 2022 तक जो है मंगल पे या फिर जो चांद पे जो है आदमी को भेजना। ठीक है, ये इसका है, किसका ब्रेन चाइल्ड है, तो याद कीजिएगा कि ये
जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं इलोन मस्क, ठीक है, इलोन मस्क का जो है द्वारा इस्टेब्लिश की गई ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और इंटरनेशनल स्पेस, इसका जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कन। पीएम ने इनॉग्रेट किया है 60 मेगावाट की तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, कहाँ पे, आइजोल मिजोरम में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड एक पहला, सबसे बड़ा, मतलब सब पहला जो है बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये आइजोल में लगने वाला, ये पहला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि तुइरियाल क्या है, तुइरियाल एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, बराक की, ठीक है, बराक रिवर। और यही बराक रिवर जो आगे जाकर के मेघना में मिल जाती है, और वो मेघना जो कि यहाँ से जो है जो पद्मा आ रही है, मतलब गंगा रिवर, और यहाँ से जो है जमुना बोलते हैं किसको, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में, इनसे जाकर के मिल जाएगी, और ये दोनों रिवर जो है आगे जाकर के मेघना के नाम से आ जाएंगे, ठीक है। गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जो है जमुना रिवर कहते हैं, जमुना। और ये दोनों जब मिलती हैं तो इनके संगम को जो है पद्मा कहते हैं, और फिर आगे जाकर के जो है इनके जब इससे मेघना मिल जाती है तो इस पूरी नदी को जो है मेघना रिवर कहते हैं, जो कि जाकर के फिर आपका बे ऑफ बंगाल का डेल्टा बनाती है। तो बराक जो है ट्रिब्यूटरी है मेघना की, और जो है ये जो तुइरियाल रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की, ये याद रखिएगा। और ये किस स्टेट से होकर जा रही है, तो मिजोरम आपको दिख रहा है, त्रिपुरा, और बगल में उसके मिजोरम है। केपलर 90i, इसमें 8 प्लैनेट जो है, केपलर 90 सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट को डिस्कवर किया गया है। एक्चुअली क्यों इसका न्यूज़ आया, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, स्पेस में एस्टेब्लिश एक जो है दूरबीन है, टेलीस्कोप है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है केपलर। इसकी सहायता से खोजा गया है ये ग्रह, इसलिए जो है इस ग्रह का नाम जो है केपलर 90i दिया गया है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये एक स्टार, जैसे अपने यहाँ स्टार क्या है, सन है, तो यहाँ पे भी एक स्टार है, उसके चारों ओर जो है 8 ग्रह जो है, 8 प्लैनेट जो है चक्कर लगा रहे हैं, जैसे अपने भी सोलर सिस्टम में जो है 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 2006 से प्लूटो को जो है बाहर कर दिया गया है, उसको ग्रह नहीं माना गया है, ड्रॉप प्लैनेट माना गया है, ठीक है। तो ये जो है 8 प्लैनेट, तो इसको जो मिनी सोलर सिस्टम माना गया, कि ये मिनी सोलर सिस्टम की तरह जो है, ये अपने सोलर सिस्टम की तरह ये भी एक सोलर सिस्टम है। ये कोई न्यूज़ नहीं पूछने लायक, बस आपको याद रखना केपलर क्या है। तो केपलर जो है एक आपका नासा द्वारा लॉन्च किया गया आपका जो है क्या है, स्पेस का टेलीस्कोप है, स्पेस में एस्टेब्लिश टेलीस्कोप है। WHO ने डिक्लेयर किया है गैबन को पोलियो फ्री कंट्री। गैबन अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है जिससे इक्वेटर पास होके जाती है। इक्वेटर मतलब क्या, आपकी भूमध्य रेखा। उस कंट्री को पूर्णतः पोलियो फ्री जो है घोषित कर दिया है WHO ने। दूसरी बात, पोलियो किस तरह का इन्फेक्शन, ये देखिए आप कंट्री देख लीजिए, ये एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है ये गैबन कंट्री, एकदम छोटा सा है गैबन कंट्री, और ये इक्वेटर यहाँ से होके जाती है। गैबन के बाद जो है आपका ये कांगो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, फिर ये आपका जो है केन्या हो गया, और ये क्या हो गया, सोमालिया। यहाँ से होते हुए जो है आपकी इक्वेटर जाती है, और ये लेक विक्टोरिया से भी इक्वेटर होकर के पास होती है, वो भूमध्य रेखा पास होती है। तो किस किस देश से पास होती है अफ्रीका में, ये आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। प्लस ये देख रहे हैं आप, इक्वेटर है 0 डिग्री इस साइड की, और ये ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री इस साइड की, ये दोनों जहाँ कट करती है, ये गल्फ ऑफ क्या है, गल्फ ऑफ गिनी में कट करती है, गल्फ ऑफ गिनी में जो है कट करती है यहाँ पे। ये दो चीज़ें आपकी हो गई ज्योग्राफी की। पोलियो क्या है, पोलियो जो है वायरस से फैलने वाला एक रोग है जो कि नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, जिसके कारण परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है, और मेनली बच्चों को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसी के लिए जो है पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाया गया था। और ग्लोबल इस समय क्या कंडीशन है पोलियो की, तो ग्लोबल कंडीशन ये है कि 1988 में जितना भी केसेस थे उससे 99% तक जो है डिक्रीज हो चुके हैं केसेस आप जो है पोलियो के। इस समय 125 कंट्रीज उस टाइम पे 125 कंट्री में 350,000 के आसपास केस रिकॉर्डेड थे। आज जो है ये सिर्फ दो देश में एंडेमिक बची हुई है, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके अलावा हर देश से जो है ये ख़त्म हो चुकी है। गैबन भी वो लेटेस्ट कंट्री है जहाँ से वो ख़त्म हो गई। इंडिया वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा डायस्पोरा वाला कंट्री है पूरे विश्व में,
डायस्पोरा का मतलब क्या होता है कि भारतीय जनसमूह के लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो सारे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी जनसंख्या जो है, तो ऐसा देश जिसके नागरिक सबसे ज़्यादा जो है विश्व में रहते हैं उस देश के अलावा, उसमें जो है इंडियन डायस्पोरा जो है सबसे, मतलब इंडिया नंबर एक पे है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यूएन की रिपोर्ट ऐसा कहती है। और इंडिया के बाद कोई है तो वो कौन सा है, तो इंडिया के बाद जो है ये आपका मैक्सिको आता है, तीसरे नंबर पर रसिया है, चौथे नंबर पर चाइना है, फिर बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान है, ठीक। सबसे ज़्यादा इंडिया का इंडियन डायस्पोरा कहाँ रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो है इंडियन डायस्पोरा ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में रहता है, मतलब कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, ठीक है। और इसके बाद कहीं, तो इसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में रहता है, ठीक है, ये चीज़ है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 15.6 मिलियन लोग जो है बाहर रहते हैं इंडिया के, और नंबर एक पे ये है। इसके बाद जो मैक्सिको है जो कि 12.3 मिलियन लोग जो है बाहर रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस और एडवाइस माइग्रेशन से संबंधित इशू पे, माइग्रेंट्स रिलेटेड जो है कॉजेज पे, रिफ्यूजीज से भी और डिस्प्लेस्ड पर्सन और माइग्रेंट वर्कर्स के संबंधित कॉजेज पे भी जो है अपने सॉल्यूशंस जो है और जो है एडवाइजरी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। फोर ब्रॉड एरिया पे काम करता है कि एक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट कैसा हो, माइग्रेशन मैनेजमेंट के चार जो ब्रॉड एरिया हो क्या क्या है, माइग्रेशन एंड जो डेवलपमेंट, फैसिलिटेशन जो है फैसिलिटेटिंग माइग्रेशन, रेगुलेटिंग माइग्रेशन, और चौथा जो है फोर्स माइग्रेशन। 166 मेंबर स्टेट हैं इसके इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के, और 8 कंट्रीज इसके बाद जो ऑब्जर्वर स्टेटस पे हैं इसमें, और इसके 100 से ज़्यादा कंट्रीज में जो है ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड। आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया है अल्फाबेट इंक्स के साथ, इंक की एक्स कंपनी के साथ, टू अडॉप्ट FSOC टेक्नोलॉजी। अल्फाबेट पैरेंट कंपनी किसकी, गूगल की पैरेंट कंपनी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने जो है इसके साथ MOU साइन किया है कि भाई हमको FSOC टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश को आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो है पूर्णतः जो है डिजिटल और फाइबर टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला है, और हाउस होल्ड में हर एक जगह पे एक अच्छी फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है अच्छा खासा हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है हर एक घर तक, ठीक है। इसके लिए वो FSOC टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे ला रहा है। FSOC होता क्या है, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 20 GBPS का, ठीक है, 20 GBPS की जो है स्पीड प्रोवाइड करेगा आपको जो है 20 किलोमीटर तक का, ये FSOC की खासियत है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आपको वायर बिछाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लेजर लाइट हो गया, यहाँ पे जो है ये यहाँ से जो है पूरे सिग्नल्स जाएंगे, ठीक है, और 20 किलोमीटर, फिर एक रिपीटर लगा होगा वो जो है आगे इसको जो है ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरह से करते हुए क्या होगा कि आपको जो है वायर्स बिछाने की जरूरत नहीं होगी, और हर जगह खासकर वो जो डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन होती हैं वहाँ पे भी जो है आपके नेटवर्क उतने अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से पूरे आंध्र प्रदेश में जो है एक ग्रिड बिछा देना है, और इसकी हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करनी है हाउस होल्ड लेवल पे, ठीक है। इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश ने जो है गवर्नमेंट ने इससे वो किया है, अल्फाबेट कंपनी के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दो चीज़ें रखेगा, पौधों के लिए जो पौधों की खोज करता है या कुछ करता है तो वो होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जो जानवरों के नाम रखता है, उनकी खोज करता है कौन एंडेमिक है कौन नहीं, तो वो कौन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। इसमें से ये जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पुराना है, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उससे कुछ नया है, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1916 में इस्टेब्लिश किया गया था, कोलकाता हेडक्वार्टर है इसका। इसने जो है पहली बार 157 एलियन इन्वेसिव एनिमल स्पीसीज़ की जो है लिस्ट जारी की है। ये एलियन इन्वेसिव स्पीसीज़ क्या होती हैं एनिमल की, तो देखिए सिंपल सी बात यह है, हर एक वो जानवर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ना होकर के कहीं दूसरे हैबिटेट में, ठीक है, जो उसका नेचुरल एरिया है जहाँ पे उसको होना चाहिए, वहाँ पे या तो जो है एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो चुका है या फिर जो है डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस किया गया है, वो उसको जो है इन्वेसिव स्पीसीज वहाँ पे कहते हैं।
क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर एक बंदा, हर एक जो जानवर बना हुआ है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बना हुआ है। उस एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए जो है उसके प्रेडेटर्स भी बैठे हुए हैं, तो किसी की जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, वो जब ग्रोथ होगी तो सामने वाला उसको मार करके उसको बैलेंस कर देगा। तो इस तरह से इकोलॉजिकल चेंज जो है बैलेंस रहती है। लेकिन वही चीज़ जब एकदम नए और एकदम जो है नए एनवायरनमेंट में ला करके जो है इकोसिस्टम में ला करके उसको जो है फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे उसका कोई प्रेडेटर नहीं होता है तो उसकी पॉपुलेशन जो है चेक नहीं होती। और ये क्या करता है कि और जो स्पीसीज हैं लोकल उनकी जो है उनकी पॉपुलेशन को थ्रेट कर देता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे उसका उसको कोई खाने वाला है नहीं, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो सारे रिसोर्सेज के लिए जो है आउट कम्पीट कर देगा, और इस तरह से क्या कर देगा कि आउट कम्पीट कर देगा जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको। तो इसलिए इसको इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं, और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उस लोकल एरिया का उसको ऑफसेट कर देगा। तो उनकी जो लिस्ट निकाली है उसमें क्या क्या है, तो उसमें जो है हर तरह की जो है पूरी 157 लोगों की लिस्ट है। जो इंपॉर्टेंट अगर आप देखिए जिनके आप नाम सुनते हैं, तो अफ्रीकन एप्पल स्नेल, घेंघा जो होता है आपका, ठीक है। तो अफ्रीकन एप्पल स्नेल ये अंडमान निकोबार में सबसे पहले बार रिपोर्ट किए गए थे, इसके बाद जो है ये केरला और आंध्र कर्नाटका के पास भी वो किए गए। इसके बाद पपाया मीले बग ये मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और ये आसाम और वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में पपाया की मतलब पपीते की जो है फसल को नुकसान पहुंचाया इसने, पपाया मीले बग। सेम इसे कॉटन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कॉटन मीले बग हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता था। अमेजन सेल्फिन कैटफिश ये जो है वेटलैंड ऑफ कोलकाता की जो मछलियां हैं उनकी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसी मछली मिली है। तो ये सब जो है इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कि इंडिया की नहीं थी, बाहर से जो है यहाँ पे या तो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुई या फिर जो है डिलीबरेटली। गवर्नमेंट इंक्स MOU विद मारुति सुजुकी टू सपोर्ट स्किल इंडिया इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन किया कि भाई देखो मेरा स्किल इंडिया जो मिशन है उसमें काम करो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बंदों को ट्रेंड करो, हमारे यहाँ के बंदों को आप ट्रेंड कीजिए और उनको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए आपको जिस तरह की ज़रूरत है। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक तरह से समझ लीजिए कि लीडर है वो वहाँ पे, खासकर जो है फोर व्हीलर सेगमेंट में। तो ये जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इसके लिए जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, NPPA ने नोटिफाई किया है प्राइसेस फॉर 65 इसेंशियल फार्मूलेशंस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये CDPO एक ऑर्डर आया था। CDPO ऑर्डर क्या होता है कि सेंट्रल, ये सिंपल सा ये है कि ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर 2013, जिसके तहत सिंपल सा है कि ड्रग्स की जो इसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनकी लिस्ट WHO निकालता है और फिर उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री भी जो है अपनी एक इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट निकालती है। और उन ड्रग्स की प्राइसेस क्या होनी चाहिए, तो वो प्राइस डिसाइड करता है कौन, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि किस मिनिस्ट्री में आता है। यहाँ पे एकदम याद रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री है आपकी फर्टिलाइज़र एंड केमिकल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, उसके अंदर में आता है आपका जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और ये तय करता है कि 65 इसेंशियल ड्रग्स हैं उनके दाम कितने होने चाहिए। इनके दाम ये कैसे तय कर देता है, तो ऐसे तय करता है कि जितने भी यहाँ पे जिनकी भी सेल, जो भी मेडिसिन इसमें है जिनकी भी सेल 1%, मतलब कि जितनी भी टोटल सेल होती है उसका अगर 1% भी है, तो उन सब के दामों को लिखेगा और उनका फिर एक एवरेज निकालेगा, और उस एवरेज के बेसिस पे जो दाम होना चाहिए वो दाम फिर वो डिसाइड करेगा कि ये मैक्सिमम कैप होगा। और जो इसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी जो है दाम एक साल में 10% से ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। ये NPPA सेट कब किया गया था, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है इसको 1997 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका काम क्या है कि बल्क ड्रग प्राइसेस को कंट्रोल करना, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को जो है बनाए रखना मार्केट में, ये सब इसका काम है। अगला आते हैं कि पहला नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम फॉर सेंडई फ्रेमवर्क हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सेंडई फ्रेमवर्क किस चीज़ संबंधित है, बस यहाँ पे आपको ये जानना है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया में कौन सी अथॉरिटी है, तो एक एक्ट आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपका 2005, और उसके तहत जो डिजास्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी 2006 में। UN का 2015 से 30 तक के लिए फ्रेमवर्क है सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, किस तरह से डिजास्टर के रिस्क को जो है कम किया जाए। सेंडई जो है जापान में जगह है, वहाँ पे मीटिंग हुई है इसलिए जो इसका नाम है सेंडई रिस्क रिडक्शन। ये अगले 15 साल में जो है कई फ्रेमवर्क है, किस तरह से जो है प्राइमरी रोल है इसका कि कैसे रिड्यूस किया जाए, इसमें काफ़ी चीज़ें डिफाइंड है, फ्रेमवर्क डिफाइंड है। और ये नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, वॉलंटरी ट्रीटी है इसके मेंबर स्टेट्स पे, UN के मेंबर स्टेट्स पे।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फोर स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ हैं संडे फ्रेमवर्क की। पहला तो यह है कि आप अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क, फिर स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, तीसरा है इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, और चौथा है इन्हेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, अगला क्या है, डी सी जी आई ने अलाउ किया है इंडियन फॉर्म को कि वो जो है जीका वायरस के लिए जो वैक्सीन है उस पर ट्रायल वो चालू कर सकती है। कोई भी वैक्सीन का बनना या फिर जो है उसके लिए ट्रायल का चालू करना, इवन दो उसका ह्यूमन ट्रायल भी चालू करना जो है, उसके लिए डी सी जी आई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उससे परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं किस पे, इसके बाद हम आते हैं और ये किसके अंतर्गत आता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है और यही अप्रूवल देता है इन सब चीज़ों का इंडिया में। दूसरी बात आती है जीका वायरस क्या होता है। जीका वायरस जो है वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, मच्छर जो है एडिस इजिप्टिस के द्वारा जो है ये फैलाया जाता है, और सबसे पहले इसका जो केस आया था अभी जो रिसेंट में 2016 में जो है ब्राज़ील में इसका केस आया था। इससे दो जो मेन बीमारी देखी गई है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनमें माइक्रोसेफली और जीबीएस मींस गुलियन बैरे सिंड्रोम की जो है बीमारी देखी गई है, दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। माइक्रोसेफली में क्या होता है कि बच्चे का मस्तिष्क जितना बड़ा होना चाहिए उससे छोटा रह जाता है नॉर्मल से। ठीक है, बेबी हेड इज़ मच स्मॉलर देन जो है एक्सपेक्टेड जितना होना चाहिए उससे जो है बेबी हेड बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, यही माइक्रोसेफली की कंडीशन होती है। लैटिन अमेरिका में इसको जो है डिटेक्ट किया गया है अभी फरवरी 2016 में, और नवंबर 2016 में जो है इसको फ्री कर दिया गया कि हाँ डेटा जीका वायरस जो है यहाँ से हट चुका है, तो मच्छर के थ्रू ही ये फैलता है, तो उसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं थी तो वो सर्च हो रही है। इंडिया टू होस्ट मीटिंग ऑफ WTO मेंबर कंट्रीज ऑन फूड सिक्योरिटी एंड अदर इशूज़। बताया गया कि WTO में इस बार जो है ब्रूनस एरिस में मीटिंग हुई थी और उसमें जो आउटकम निकला था उस पर जो है इंडिया ने जो है उससे सेटिस्फाई नहीं था, तो ये अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो है फूड सिक्योरिटी और अदर इशूज़ पे जो है बात करना चाहता है और एक तरह से एक अपना जो है अपना प्रेशर ग्रुप के रूप में तैयार करना चाहता है इंडिया। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे मीटिंग करवाएगा। लोसार फेस्टिवल जो है लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया, नया साल होता है बुद्धिस्ट कैलेंडर का एक तरह से, और लद्दाख में जो है लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर के महीने में होता है। ठीक है, खासकर तिब्बतियन रीजन और लद्दाख रीजन में। गोम्पास क्या है, गोम्पास जो है पूजा स्थल हैं बुद्धिस्ट लोगों के, उनको गोम्पास बोलते हैं, तो यहाँ पे रिलीजियस ऑफरिंग दी जाती है और घरों में जो है गीत संगीत और ये सब माहौल होता है, तो ये नया ईयर है यहाँ पे यहाँ का। इंडियन रेलवे ने जो है प्लान किया है कि मार्च 2018 तक सभी रेलवे स्टेशन को 100% LED कर दिया जाएगा, मार्च 2018 तक। हुआ है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, मार्च तो बीत गया। ठीक है, तो ये था इनका कि 2018 तक जो है हम LED कर देंगे। हमेशा विजयी, हमेशा विजयी क्या है, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि इक्वेरियन एक्सरसाइज हुई किसमें, इंडिया और मालदीव की आर्मी के बीच में, फिर पढ़ा था हमने पहला क्या कि वो UK के बीच में अजय वारियर एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और UK के जो है एयरफोर्स के बीच में। ये हमेशा विजयी क्या है, तो हमेशा विजयी जो है सदर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने अपने और जो है इंडियन एयरफोर्स के साथ, मतलब कि इंडिया की ही दोनों थी, इंडिया की आर्मी और इंडिया की एयरफोर्स, उसके बीच का एक कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज हुई थी ताकि अगर कोई ऐसा जो है युद्ध जैसी कंडीशन हो जाए तो कैसे जो है दो अलग अलग जो ये फोर्सेज हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा विजय एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, राजस्थान में, सदर्न कमांड जो है आर्मी की उसने कंडक्ट किया। आर्मी की जो है 7 कमांडें हैं, उनमें से सदर्न कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर जो है आपका पुणे में है, उसने इसको जो है कंडक्ट किया राजस्थान में। नीति आयोग ने सेटअप किया है मेथनॉल इकोनॉमिक फंड, मेथनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का जो है एक मेथनॉल इकोनॉमिक फंड जो है नीति आयोग जो है सेट करने की प्लान कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लीन फ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, और क्लीन फ्यूल क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो है इसमें CO2 जो है का जनरेशन नहीं होगा, चीपर होगा, सेफर होगा, पोल्यूशन फ्री होगा ये मेथनॉल फ्यूल जो होगा। मेथनॉल बनाने के दो तरीके हैं, एक तो जो है कोल
से भी कोल, जो हाईएस्ट कंटेंट ऑफ कोल है उसको भी जो है कन्वर्ट करके जो है मेथनॉल उससे बनाया जा सकता है, और दूसरा जो है प्लस जो है स्टैंडर्ड गैसेस जो है उससे भी इसको बनाया जा सकता है, जैसे आपके एलपीजी गैस हो गए, इन सबसे भी मेथनॉल को बना सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो एलिमेंट है वो तो है ही, कि जैसे जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए, फॉरेस्ट रेसिड्यू हो गए, ठीक है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम जो है हाउसेज हो गए, इन सब से जो है इनको यूज करके मेथनॉल को बनाया जाएगा। इस समय अगर हम मेथनॉल, क्योंकि हमारी पॉलिसी क्या है कि मेथनॉल की 20% पॉलिसी जो है, मतलब कि हम मिक्स कर सकते हैं 20% जो है फ्यूल में मेथनॉल को, ठीक है, बायो फ्यूल इसको बोलते हैं, क्योंकि बायो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट से ये बनता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत जो होती है, जैसे सीएनजी से अगर आपको कुछ चलाना है तो सीएनजी के लिए आपको जो है पूरा इंजन को चेंज करना पड़ेगा, जबकि बायोफ्यूल से चलाना है या फिर जो मेथनॉल से चलाना है जिससे, तो इसमें जो सेम जो पेट्रोल और डीजल इंजन है उसी इंजन में बिना कुछ चेंज किए हुए, तो लेस एक्सपेंसिव इसलिए है कि कुछ आपको जो है मैकेनिज्म में चेंज नहीं करना पड़ेगा और सेम जो है मशीन पर ही काम कर सकता है, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम जो पोल्यूशन फ्री भी है ये, और हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है वो भी इस उसको भी ये घटाएगा, ठीक है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको भी घटाएगा। इंपोर्ट में हमें क्या है, ऑयल मंगाना पड़ता है, तो इस तरह से 20% कम ऑयल मंगाना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, ठीक है। इंडिया में इस समय 1.8 मिलियन टन की जो है ज़रूरत है, और पैदा कितना हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है 0.2 मिलियन टन अभी पैदा हो रहा है, यानी 1.6 मिलियन टन हमें जो है पैदा करना है मेथनॉल, तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है ये चीज़ है। बठिंडा में सेकेंड जनरेशन जो है मेथनॉल की अभी जो है वो एजेंसी लगी हुई है HPCL ने। इसके बाद जो है क्या है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गया है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है, कौन सी, ये प्राणहिता नदी है। प्राणहिता नदी से पानी निकाल करके जो है तेलंगाना में जो है ये स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, तो तेलंगाना के लिए, तेलंगाना में ये है। ये जब आंध्र प्रदेश अभी बायोफर ग्रेट नहीं हुआ था तभी इसको बनना था, लेकिन अभी जो है थोड़ा लेट हो गया, और ये इस समय तेलंगाना में जो है ये जो उसके सूखे एरिया हैं वहाँ पर जो है वाटर पहुँचाने का काम करेगी और खेती को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी, खासकर आदिलाबाद, निजामाबाद, इन सब डिस्ट्रिक्ट में, मेडक डिस्ट्रिक्ट, वारंगल, इन सब में जो है ये पहुँचाएगा। तो बस इतना आपको याद रखना है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी प्राणहिता से संबंधित है, और ये तेलंगाना। पार्लियामेंट ने कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017 पास किया है। कंपनी बिल जो है आपका क्या है, कंपनी बिल 2013 आया था, उसमें अमेंडमेंट करते हुए फिर जो है ये बिल अभी 2017 में लाया गया है, ठीक है। तो 40 अलग अलग तरह के अमेंडमेंट किए गए ताकि ये एक्ट जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है बन सके, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स क्लॉजेस थे उनको जो है सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है, और प्लस डिफॉल्टिंग कंट्री जो कंपनीज हैं उनको कैसे पकड़ा जा सके, उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ आई है। क्या क्या है फीचर बिल के, तो ग्रुप कंपनी स्ट्रक्चर एंड जो है कंप्लायंस प्रोसीजर के बारे में आया है, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड जो है अप्रूवल मैकेनिज्म कैसा होगा उसके बारे में कुछ बात की गई है, क्या होंगे शेयर्स आप जो है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, मेंटेनेंस आप जो है रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स इन ए कंपनी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात आई है, रेजिडेंट डायरेक्टर एंड जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर बात है, लोन टू डायरेक्टर्स पर बात की गई है, ये मैनेजेरियल जो है रिमोनरेशन कितना दिया जाएगा उस पर बात की गई है, ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसी होंगी उस पर बात की गई है। फिर इसी के साथ जो है पार्लियामेंट ने पास किया अगला जो है क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017 पास कर दिया। अभी तक क्या होता था, IAM जो होते हैं, IAM जो है सोसाइटीज़ एज ए सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड थे कॉरपोरेट मिनिस्ट्री में, ठीक है, तो सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड होने के कारण जो है इनके पास ये MBA और PhD की डिग्री नहीं दे सकते थे, ये इक्विवेलेंट डिग्री देते थे, इक्विवेलेंट टू MBA एंड जो है PhD। तो इस बिल के साथ ये क्या किया गया है कि इस बिल के साथ इनको जो है ये पावर दे दी गई है, ठीक है, ये पावर दे दी गई है, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई है, और साथ में ये भी पावर दी गई कि ये जो है डिग्री को दे सकते हैं ग्रेजुएट्स को अपने, और PhD की डिग्री भी ऑफर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत सी कंट्रीज़ में IAM की दी गई जो इक्विवेलेंट डिग्री होती थी वो नहीं मान्य होती थी, लेकिन अब ये डिग्री अवार्ड करेंगे तो इससे जो है वो मान्य होगी, ठीक है, पहले वो डिग्री नहीं अवार्ड करते थे, उसके समतुल्य अवार्ड करते थे, ठीक है, इक्विवेलेंट, तो वो चीज़ें, तो ये 20 IAMs इस समय हैं उनमें, उनके लिए जो है ये हेल्पफुल होगा, प्लस उनको काफ़ी ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है ताकि वो अपने जो एरिया हैं उनको जो है अच्छे से मैनेज कर सकें। अगला क्या है, सेंट्रल रोड फंड अमेंडमेंट बिल 2017 आया है।
सेंट्रल रोड फंड बिल जो है कब 2000 का है और उसमें अमेंडमेंट अभी हुआ 2017 में। ये क्या था, इसमें ये था कि जो हाई स्पीड जो डीजल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल हैं, इस पर जो है एक पर्टिकुलर सेस लगता है। सेस मतलब क्या होता है, सेस एक तरह का स्पेसिफिक टैक्स होता है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइंड टैक्स होता है, उसका पैसा उसी फंड में जाएगा, कहीं और जो है यूज़ नहीं होगा, ठीक है, तो ये सेस होता है। तो अभी तक क्या होता था कि जो हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल होता था उस पर एक पर्टिकुलर जो है टैक्स लगता था, उसका यूज क्यों ये बनाया गया था, क्योंकि जो है इसका यूज़ किया जाएगा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्यों 2000 में, क्योंकि 2000 में याद कीजिए, 2000 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जो भारत में चारों जगह पे जो है इसको हाईवे को कनेक्ट करेगी, ठीक है, चारों जो सिटीज़ हैं मेन सिटीज़ वहाँ पे हाईवे को कनेक्ट करेगी, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। अभी क्या कर दिया गया, अमेंडमेंट करके ये चीज़ किया गया है कि ये जो फंड है रोड फंड, इसको रोड के कंस्ट्रक्शन के अलावा जो है नेशनल जो इंटरनल वाटर वे हो रहा है उस वाटर वे के कनेक्शन के बनाने में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ हुई कि इस फंड को जो है डाइवर्ट किया गया है, इसका जो है स्कोप ये दिया गया है कि रोड के अलावा जो है इस फंड का यूज़ डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे के अलावा जो है कि इसमें अभी नेशनल वाटर वे के रूप में भी इसका यूज जो है किया जा सकेगा, ठीक है, नेशनल वाटर वे एक्ट 2016 के तहत जो है इसका यूज़ किया जा सकेगा। नेशनल वाटर वे पहले जो इंडिया में सिर्फ 5 थे, नेशनल जो वाटर वे एक्ट 2016 आया उसके तहत जो है अब उनकी संख्या 111 कर दी गई है। इसका मेन यूज़ क्या है, मेन यूज़ ये है कि किस तरह से, क्योंकि सबसे इजी ट्रांसपोर्ट मीडियम जो होता है वो पानी होता है, सबसे कम खर्चे पे वहाँ पे, तो इंडिया में जो नेविगेबल रिवर्स का जितना भी चैनल है उनको कैसे हम फिर से अगमेंट करके वाटर वे का विकास कर सकें, ठीक है, मतलब कि हाईवे और रेलवे तो ठीक ही है, उसके साथ वाटर वे का विकास कर सकें और ताकि जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उन चीज़ों का, उन हिंटरलैंड्स का जो उस पे बसे हुए हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो है हमारी जो ट्रांसपोर्ट कास्ट जो है घट सके, ठीक है, तो इसके लिए जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल वाटर वे को। इंडिया और श्रीलंका ने सेकेंड फेज ऑफ ज्वाइंट ओशनोग्राफिक सर्वे कंडक्ट कर लिया है। इंडिया और श्रीलंका की जो नेवी ने मिलकर के ओशनोग्राफी से संबंधित जितने भी सर्वे वहाँ पे हैं उसके एरिया में, खासकर जो है सदर्न एरिया जो श्रीलंका में वहाँ पे उसके डेटा जो होंगे इन सब चीज़ों को जो है, जैसे कोस्ट लाइन कितनी है रेंजिंग फ्रॉम कोलंबो टू गाले कितना है, इन सब चीज़ों को, कितना ट्रैफिक यहाँ से पास होकर जाता है, मैरीटाइम ट्रैफिक कितना जा रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों का सर्वे जो है इन्होंने जो है दोनों ने मिलकर कर लिया है, ठीक। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि एक एग्जैक्ट पिक्चर इन लोगों को क्लियर होगी और आगे इस रीज़न को कैसे डेवलप किया जाए ताकि और जो नीड्स टाइम टू टाइम जो है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री की जो नीड्स हो रही हैं, ठीक है, इन सबको कैसे जो है हम मैनेज और टैकल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है ये ज्वाइंट सर्वे हुआ इंडिया और जो है श्रीलंका की नेवी के द्वारा। इंडिया की INS दर्शक ये जो है ये सिर्फ ने जो है इसको सर्वे को कंडक्ट किया था, ठीक है। चलिए इन लोग इस न्यूज़ को आप रिवाइज़ कीजिए, फिर आगे की न्यूज़ के साथ आते हैं। धन्यवाद।